अयोध्या में बाबरी मस्जिद पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ तपस्वी छावनी के महान स्वामी परमहंस दास ने तहरीर दी है। आरोप है कि हाजी महबूब ने एक निजी चैनल द्वारा की गई स्टिंग ऑपरेशन में अयोध्या मसले पर आपत्तिजनक बातें की, जिसका देश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वामी परमहंस दास का कहना है कि यदि पुलिस इसमें कोई मुकदमा नहीं दर्ज करेगी तो वह न्यायालय की शरण लेंगे। पहले वर्तिका सिंह से अभद्रता के मामले में बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा दर्ज किया गया। अब बाबरी मस्जिद के दूसरे पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने एक तहरीर कोतवाली अयोध्या को दी। स्वामी परमहंस दास का आरोप है कि एक निजी चैनल द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन में बाबरी मस्जिद पक्षकार हाजी महबूब ने अयोध्या में कार सेवा के दौरान बम से हमला करने की बात कबूल किया था। यही नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देता है तो वह वहाँ पर कुछ बनने नहीं देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद से स्वामी परमहंस दास को दुख हुआ और उन्होंने संविधान की रक्षा को देखते हुए बाबरी मस्जिद पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्राथमिकी कोतवाल अयोध्या को अपने स्थान पर सौंपा। स्वामी परमहंस दास का कहना है कि यदि पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार हाजी महबूब का कहना है कि स्वामी परमहंस दास सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, यह सारी बातें अफवाह है। हालांकि हाजी महबूब अपने बचाव में ऐसा कह रहे हैं, वहीं इस प्रकरण में जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कुछ जानता नहीं परमहंस ने क्या, सिर्फ अपने हाईलाइट के लिए जो भी किया होगा। और मैंने तो इस बारे में आज से 27 साल पहले की बात है, ये जो भी हुआ है बम की बात है, ये है जब उस ज़माने में 92 में जब पूरा इलाका छिका हुआ था, जो अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो लोग आदमी किया हो, तो वो भी मैंने कभी ऐसा किया। अगर बम चला होता हमारे ज़माने उस ज़माने में तो कुछ कैजुअलिटी उस ज़माने में होती कि ना होती, लेकिन सिर्फ अफवाहें और कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि मुझे एक वीडियो देखने को मिला, उसमें जिसमें बाबरी पक्षकार हाजी महबूब ये कहते नजर आ रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 में जो कार सेवकों के ऊपर बम फोड़ा गया तो हाजी महबूब कह रहे हैं कि मैंने ही फोड़वाया, फिर भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैं जस का तस आराम से रह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से यदि जो है तो राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो हाजी महबूब ने जो है तो उसमें धमकी दिया है। उन्होंने कहा है धमकी भरे शब्दों में कि मेरे जीते जी वहां एक ईंट कोई नहीं रख सकता है। यदि बाबरी पक्षकारों को न्यायपालिका का सम्मान नहीं करना है, यदि बाबरी पक्षकारों को सर्वोच्च न्यायालय पर आस्था विश्वास नहीं है तो फिर वहां जो है उनको जाने की क्या आवश्यकता है। यदि उनको पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही विश्वास है, यदि देश की जो है न्यायपालिका पर उनको विश्वास नहीं है तो फिर जो है उनको वहां जाने की आवश्यकता क्या है। मुझे यह साफ, मैं बड़ा आहत हूं, मुझे इस बात से दुख है। उनका हमने जैसे ही उनका भाषण सुना, उन भड़काऊ भाषण देते हुए कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आने के बाद भी हम वहां जब तक जिंदा है एक ईंट नहीं रखने देंगे। इससे साफ जाहिर है कि वो व्यक्ति भड़काऊ भाषण दे करके और देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और मैं हमने आज जो है तहरीर दिया है और इसके साथ साथ मैं आज जो है इसको रजिस्टर्ड डाक से भी भेजूंगा, और यदि इस पर जो है मुकदमा जो है पंजीकृत नहीं होता है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय पर जो है तो सब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करेगा, जो व्यक्ति कह रहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे, ये इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। मैं अयोध्या तपस्वी छावनी का जगत गुरु परमहंसाचार्य बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं, और इसके लिए मैं अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन जब तक राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा तब तक मेरा जो है प्रयास जारी रहेगा। जब से मैंने सुना है कि वो न्यायपालिका का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं और समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को धमका रहे हैं कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता है, इससे निश्चित रूप से मैं बहुत दुखी हूं कि जहां दुनिया में अमन चैन शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जहां देश में 99% मुसलमान यह चाहता है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जहां सर्वोच्च न्यायालय पर दोनों समुदाय के लोगों की आस्था विश्वास है, हम लोग आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जो भी फैसला आएगा मानेंगे, लेकिन वही बाबरी पक्ष क्या? अब हम जैसे ये वायरल हो रहा था, जब हमारे पास में ये आया तो हमने देखा कि उसमें आज तक जो है लिखा हुआ है कि आज तक के एंकर जो है खुफिया कैमरे से उसको रिकॉर्ड किए हैं, और उस हमारे पास में वो एविडेंस भी है, मेरे पास वो अभी वीडियो है और उसको मैंने जो है यहाँ के इंस्पेक्टर को दिया भी है, और उसकी मैं सीडी बनवा करके अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैं कोर्ट में भी जाऊँगा।
रही थी मुझे मिली जब, तो इसके बाद फिर हमने उस पर जो है हम जाकर के हम तहरीर लिखे और तहरीर लिख करके हमने आज जो है तहरीर दिया है। अगर हमारा ये स्वीकार होता है तो ठीक है, इस पर अगर जांच नहीं होगी, अगर इस पर